कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई स्टडी से पता चला है कि कोवैक्सीन लेने वाले कुछ लोगों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पाया गया है। स्प्रिंकल लिंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोवैक्सीन लेने के बाद महिलाओं, टीनेजर्स और जिन्हें एलर्जी है उन लोगों को ESI यानी इमरजेंसी सीवियरिटी इंडेक्स का अधिक खतरा होता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में की गई स्टडी में पाया गया है कि ESI का ज्यादातर हिस्सा एक साल के फॉलोअप के बाद भी बना रहा। रिपोर्ट के मुताबिक टीनेजर्स में नई शुरुआत वाली त्वचा और चमड़े के नीचे के विकार, सामान्य विकार और तंत्रिका तंत्र विकार आम AESI थे। सामान्य विकार, मस्क्यूस्केलेटल विकार और तंत्रिका तंत्र विकार वयस्कों में आम AESI थे। 4.6% महिला प्रतिभागियों में मेंसुरेशन रिलेटेड इरेगुलरिटीज देखी गईं, 2.7% प्रतिभागियों में नेत्र संबंधी असामान्यताएं और 0.6% में हाइपोथायरॉयडिज्म देखा गया। गंभीर AESI का 1% लोगों में पाया गया है। इसमें प्रतिभागियों में स्ट्रोक और गुलेंट बेरी सिंड्रोम की पहचान की गई है। स्टडी में पाया गया है कि प्रतिभागियों में किशोरों, महिलाओं और एलर्जी और टीकाकरण के बाद साइड इफेक्ट की हिस्ट्री वाले लोगों में AESI का जोखिम ज्यादा था। ज्यादातर AESI एक साल के फॉलोअप पर बने रहे। महिलाओं और किशोरों में जिन्हें टीकाकरण से पहले COVID-19 को मॉर्बिडिटीज और जो टीकाकरण के बाद टाइफाइड से पीड़ित थे उनमें लगातार AESI की संभावना ज्यादा थी।